రసానాం అర్థసంఘానా రసానామీ మంగళార్త వందే వాణి వినాయకౌ నమామి సద్గురుం శాంతం సచ్చిదానంద విగ్రహం పూర్ణ బ్రహ్మ పరానందం ఈశమాళంది పూర్ణబ్రహ్మపరానందీశమానందివల్లం మాధుర్యసల్లో శివశక్ైక రిణీ अमृता वंदे ज्ञानेश नीगेन चित पदे वाचा मलंशरी च वैद्यक योपाकोत्तम प्रवर मुनी पतंजलि प्राजलिरानों हम वास्तव में अत्यंत भाग्यवान्न है कि भगवान पतंजलि हम लोगों को इस दिव्य योग प्रासाद के अंतरंग स्थान में ले आए हैं जिसका नाम समाधि है और इस यात्रा में उन्होंने सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार सानंद और सास्मित इन सब बातों को हम लोगों को सिखा करके निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद हा। उस धवल शारदीय ज्योत्ना जैसी दिव्य शांति को उपलब्ध करा दिया जो निर्विचारता से प्राप्त होती है और यह बतला दिया कि यहां पर आकर के प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है वैदिक शास्त्र में शब्द को सत्य का भी मूल माना गया और इसलिए रुतंभरा अपने आप में एक अत्यंत गंभीर और उच्च संज्ञा है बात यह है इस प्रज्ञा में इस प्रज्ञा के आलोक में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तव में न तो इंद्रियों से प्राप्त हो सकता है न शास्त्रों से प्राप्त हो सकता है न अनुमान से प्राप्त हो सकता है यह ज्ञान सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान है अन्य बातें छोड़ दीजिए लेकिन एक सादी बात कमरे में फल है ऐसा कहने पर कुछ ज्ञान हुआ अरे आम है वहां पर ऐसा कहने पर कुछ विशेष ज्ञान हुआ या आम मीठे है हो ऐसा कहने पर और भी ज्ञान हुआ यह विशेष विशेष ज्ञान के स्तर तो है लेकिन जो ज्ञान उस आम को खाने में उसका आस्वादन करने में हम लोगों को प्राप्त होता है उसे किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अनुभूति का विषय है प्रतंभरा प्रज्ञा के स्थान पर जो ज्ञान उपलब्ध है वह अनुभूति का है और इसलिए वह किसी भी प्रकार किसी के भी द्वारा मिथ्या सिद्ध किया ही नहीं जा सकता ऐसा वह त्रिकाला बाधित ज्ञान उस अवस्था में प्राप्त होता है वहां तक महर्षि में ले आए और फिर कहते हैं कि बात तो बहुत ऊंची है इस मानव जन्म में इतना भी प्राप्त हो जाए तो बहुत है लेकिन उत्तम पुरुष को तो इसके भी आगे निकलना है जब इसके भी आगे निकलना है जहां श्रुता प्रज्ञाभ्या मन विषेया विशेषार्थत्वात विशेष अर्थ को प्रदान करने वाली यह रतंभरा प्रज्ञा भी पीछे छूट जाए तो फिर यहां तक आने का उपयोग क्या है महर्षि ने बड़े सुंदर सूत्र में समझाया तजस संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी वे कहते हैं कि यह बात तो अवश्य है कीर्तंभरा प्रज्ञा को भी विसर्जित करके आपको आगे चलना है लेकिन यहां पर भी आप आए हैं यह सामान्य बात नहीं है क्योंकि यहां तक की यात्रा ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया अन्य बाकी जो वित्थान के संस्कार थे विकारादिकों का तो लोग पहले ही हो गया लेकिन वित्थान के भी जो संस्कार थे जिसके कारण हम स्थूल विषयों को ही ग्रहण कर पाते थे उन सारे संस्कारों को इस रतम भरा के संस्कार ने इस समाधि के संस्कार ने प्रतिबंधित कर दिया वे पीछे छूट गए वे नष्ट हो गए एक कांटा चुभ गया पैर में तो उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संसार के सारे संस्कारों को समाप्त करने के लिए समाधि के संस्कारों की आवश्यकता थी और ये समाधि के संस्कार भले सभी समाधि के संस्कार जो हम लोगों को प्राप्त हुए उसके कारण यद्यपि सर्वोच्च गंतव्य तक हम नहीं आए हैं फिर भी बहुत बड़ा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे सांसारिक सारे संस्कार इसके कारण विलीन हो गए हैं संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी आजकल हम हरिद्वार आदि को में देखते हैं भाई ये हमारे गुरु भाई हैं अच्छा ठीक फिर कहते ये हमारे दादा गुरु है अच्छा ठीक फिर कहते कि वो हमारे चाचा गुरु है गुरु शब्द को जोड़ करके भाई शब्द भी आ गया दादा शब्द भी आ गया चाचा शब्द भी आ गया इसका अर्थ है संसार के सब शब्द आ गए तो फिर संसार छोड़ा और ये संन्यास लेकर के हम यहां पर बैठे हैं यह नया संसार ही नहीं है क्या ऐसा सोचना नहीं चाहिए मूल बात ऐसी है संसार में रहते हुए उन संबंधों को याद करते समय हम लोगों को संसार की बातें याद आती थी अब यहां पर सारी परमार्थ की ही बातें याद आएगी संबंध तो हैं लेकिन यह पारमार्थिक संबंध हो गया यह आध्यात्मिक संबंध हो गया जिस संबंध के कारण वो पहला जो हमारा अत्यंत स्थाई संबंध था संस्कार था वह शिथिल हो गया तो लाभ तो हुआ यही होता है तंभरा प्रज्ञा के कारण इस समाधि स्थिति तक आने के कारण तजस संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी धीरे धीरे अन्य संस्कारों का विलोप होता जाता है कोई भी 24 घंटे थोड़ी स्थिति में रहता है और आरंभों में तो बिल्कुल नहीं थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी अनुभूति का संस्कार बड़ा बहुत बड़ा काम कर देता है धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ते जाता है और अन्य संस्कार घटते जाते हैं खूब सारे दूध के तपेले में थोड़ा सा एक दही का बूंद डाल दिया तो क्या होता है जी दही थोड़ा सा डाल दिया एक चम्मच दही डाल दिया अब धीरे धीरे उस दही के आसपास का दूध दही बनना आरंभ हो जाता है फिर उसके आसपास का आरंभ होता है और ऐसे करते करते पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है बस यही यहां पर होता है समाधि के संस्कार का परिणाम यह है कि बाकी सारे संस्कारों का लोप हो गया तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी और अब कहते हैं तस्याप निरोधे सर्व निरोधान निर्विज समाधि और इसका भी निरोध करना होता है इसको भी प्रत्यय अभ्यास से नेति नेति करते हुए और अपने प्रयास से भी हमें आगे बढ़ने का निश्चय करना होता है तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि तब जाकर के एक ऐसी समाधि की स्थिति प्राप्त होती है जहां पर कोई बीज नहीं हम लोगों ने देखा था मूल बीज ये वासना का बीज मूल बीज बहिरंग वस्तुओं के आलंबन का बीज अलिंग पर्यंत यानी प्रकृति पर्यंत चित्त की सूक्ष्मता की अवधि है वहां तक आकर के उसको भी रुके जाना पड़ता है की वृद्धि की भी एक एक अवधि होती है आम का पेड़ बड़ा होगा आरंभ में उसका बड़ा होने का वेग बहुत होगा फिर ऊंचा होते होते जाकर के एक स्थान पर रुक जाएगा हमारे दांत पहले बढ़ते हैं पहले वेग से बढ़ते हैं लेकिन वो वेग बाद में रहता नहीं है उनकी एक अवधि है और वहां पर आकर के उनको रुक जाना पड़ता है ऐसा हर बीज के साथ है ऐसा हर वस्तु के साथ है चित्त की भी सूक्ष्मता की अवधि बस यहीं तक है अलिंग पर्यंत प्रकृति पर्यंत है यहां पर आकर के तस्यापि निरोधे वह सूक्ष्म होता होता आ तो गया पहुंच तो गया रतंभरा प्रज्ञा तक पहुंच गया लेकिन अब उसकी अवधि भी समाप्त हो गई अब उसको वहीं पर रुकना है और इसके पश्चात स्वयं केवल पुरुष मात्र रह जाता है प्रकृति से वह असंग निस्संग हो गया अब उसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रकृति संग नहीं रह गया उसने स्वयं अपने अपने स्वयं के प्रकाश को अनुभव कर लिया भगवान पतंजलि महाराज यहां पर आकर के हम लोगों को पहुंचा देते हैं सर्वोच्च स्थान में इससे आगे कुछ नहीं है यह जो निर्बीज समाधि की अवस्था है जहां पर बहिर्गत कोई भी आलम्बन नहीं किसी प्रकार की वासना का तो लेश रहने की बात ही नहीं अहम भी नहीं और स्वयं किसी प्रकार की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं यह भी भान नहीं केवल दिव्य आलोक दिव्य प्रकाश चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम यह अहम भी बात वहां पर नहीं इस स्थिति में आकर के पहुंच गए अब आगे क्या आगे उसका कोई व्यवहार चलेगा कि नहीं चलेगा दिन भर चौबीसों घंटे तो कोई इस अवस्था में इस समाधि की अवस्था में रहेगा नहीं तो शातकार कहते हैं अब उसका सारा व्यवहार भरी चलता रहे उत्थान अवस्था में वो भोजन करेगा स्नान करेगा अपने अपने व्यवहार करेगा लेकिन वह दग्ध दगदबीज हो गया दग्ध शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है हम धान को बोते हैं तो फसल उगती है लेकिन धान को भून करके बोएंगे कुछ उगने वाला नहीं है अब इसके भीतर के बीज दग्ध हो गए भून दिए गए इसलिए अब यह संसार में रहेगा भी अपने सारे व्यवहार करेगा भी तब भी इसके चित्त के ऊपर उसका कोई स्थायी संस्कार होने वाला नहीं इस दिव्य स्थिति में आकर के वह पहुंच गया यहां पर आकर हमारे संत संतश्री गुलाबराव महाराज एक बात कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं तस्याप निरोधे सर्वनिरोधान सर्वन निर्बीज समाधि इस निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो गई जब समाधि काल में समाधि स्थिति में आप विराजे हैं बात ठीक है लेकिन व्यत्थान अवस्था में आते हैं तो आपके भीतर की वह अखंड शांति वह आनंद अनुभूत होता रहेगा या जिन व्यवहारों में आप पढ़ते हैं उन व्यवहारों की वृत्तियां जागृत होगी महाराज एक बात कहते हैं वैसे बाकी शास्त्रकारों ने कहा कि भाई उसका व्यवहार जो चलता है वह तो उसके प्रारब्ध के अनुसार अथवा उसके अभ्यास के अनुसार उसकी इंद्रियों के अभ्यास के अनुसार जो चलना है जितने दिन तक चलना है चलेगा जैसे हम पंखा चलाते हैं और पंखे का बटन बंद भी कर देते हैं तो पंखे को जो गति पहले से मिली हुई है उस गति के कारण बटन के बंद होने पर भी स्विच ऑफ करने पर भी कुछ देर तक पंखा घूमता है उसी प्रकार उसका शरीर अधिक काम करेगा लेकिन संत श्री गुलाबराव महाराज एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं जो मुझे अत्यंत जचने वाली है वे कहते हैं कि ठीक यहीं पर सगुण साकार परमात्मा में यदि हमारा भक्ति भाव हो तो उस समाधि को अखंड किया जा सकता है समाधि की अवस्था में हम निर्गुण में लीन हो गए और उस दिव्य स्थिति को अनुभव करते रहे पुनर्जन्म तो वैसे भी नहीं है लेकिन उस दिव्य स्थिति को अनुभव करते रहे विस्थान अवस्था में आए तो जो ज्ञानी है जिसको पहले से भक्ति करने का अभ्यास है वो क्या करेगा उत्थान अवस्था में आकर के मतलब समाधि में से उठ करके क्या करेगा भगवान नारायण का भजन करने लगेगा भगवान नारायण के भजन में लीन हो जाएगा उसको उसमें वही आनंद प्राप्त होगा प्रभु की सुगुण साकार भक्ति करते समय वह सगुण के आनंद में लीन रहेगा और वह जब समाधि में बैठेगा तो निर्गुण में उसकी दिव्य स्थिति में लीन रहेगा इस प्रकार सगुण भक्ति का आलंबन होने से यह समाधि अखंड हो जाता है ऐसा श्री गुलाबराव महाराज का सिद्धांत है जो मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है भगवान पतंजलि के सूत्रों के इस प्रथम पाद को हम यहां पर पूर्ण कर रहे हैं जिसका नाम समाधि पाद है वास्तव में यह एक पाद ठीक से जिसके ध्यान में आ जाए और इस एक पाद को समझ करके ही जो साधन के मार्ग पर चलने में सक्षम हो जाए महर्षि का दृष्टिकोण तो यह है कि उसके लिए अगले पाद गतार्थ है वो चाहे उनको पढ़े चाहे न पढ़े अगले पादों में जो कुछ अंतोंगतवा जाकर के कहना है उसका सार यहां पर उन्होंने दे दिया है लेकिन ऐसा है ना उत्तम अधिकारी के लिए उन्होंने यह सार सार दे तो दिया लेकिन अनेक स्थानों पर आपको समझने में कठिनाई भी हुई होगी वैसे कठिन स्थान इन सूत्रों को समझने में है ही इसलिए हम लोगों के लिए तो यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि मगले साधनपाद साधन पाद का भी अध्ययन करें और अब तक हम लोगों ने जो सुना है वह सरलता से कैसे हमारे जीवन में उतर सकता है इसको समझें जीवन की कृतार्थता का ये दिव्य शास्त्र है हम लोग भाग्यवान है कि हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं ज्ञानेश्वर